मूल्यांकन चल रहा है सर, क्या कुछ व्यवस्था से की गई है सर? यहाँ पर नगर परिषद तारपुर के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इस निमित्त लगभग 200 से ऊपर लोगों ने NR कटाया, वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के नाम मिले। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया 19 तारीख तक चलेगी, 10 से प्रारंभ हुई थी, 19 तक चलेगी। इसमें अब तक 91 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और प्रक्रिया जारी है। आज शनिवार है, कल संडे और फिर मंडे को लास्ट होने वाला है। मंडे को संख्या हो सकता है और ज़्यादा बढ़ेगी। और क्या कुछ और व्यवस्था की तरफ से की गई उनके हेल्प के लिए? वार्ड पार्षद के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, सभी वार्ड पार्षद अपने अपने काउंटर पर जाकर के नॉमिनेशन पत्र दाखिल करेंगे। वार्ड पार्षद के लिए भी अलग काउंटर बनाया गया, मुख्य पार्षद के लिए भी अलग काउंटर बनाया गया जहाँ, और काउंटर के साथ साथ हेल्प डेस्क बनाया गया है। पहले लोग हेल्प डेस्क पर जा रहे हैं, वहाँ पर अपना नामांकन पत्र लेकर के जाते हैं। यदि कोई तकनीकी रूप से यदि कहीं कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गया या लिखने में कहीं कोई दिक्कत हो गई, हेल्प डेस्क से वहाँ पर उसको जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर कठिनाई है, यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है, तो वो अपना सुधार कर लेते हैं। जो भी करना होता है आर ओ के चैम्बर में आने से पहले ही वो सुधार करवा लिया जाता है। कोशिश ये रहती है कि कोई तकनीकी कारण से या कोई क्लरिकल मिस्टेक से लिखने के कारण उनका रद्द नहीं होता, ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया। ये अपना जिन्होंने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है वो शुद्ध रूप से नामांकन पत्र अपना पढ़ करके यहाँ दाखिल करें। विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है किसी का हस्ताक्षर नहीं छूटना चाहिए, कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। साथ ही अभ्यर्थियों से भी अनुरोध रहता है और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, अभ्यर्थी आते हैं एक प्रस्तावक एक समर्थक लेकर के, बस उसी को अनुमति है कि वो अंदर कैंपस में परिसर में लेकर के वो अपने अंदर आएंगे। और अभ्यर्थियों से अनुरोध भी रहता है और खास करके सोमवार को छुट्टी होगा, अधिक संख्या में होगी तो उनसे भी अनुरोध होगा, अधिक संख्या में रहेगा अभ्यर्थी आएंगे अपना नामांकन दर्ज करेंगे तो साथ में किसी को नहीं लाएंगे, जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक और विशेष रूप से कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 144 धारा लागू है, तो इसका भी ख्याल रखेंगे कि 144 धारा लगाया गया है, इसका उल्लंघन ना होने का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन करते रहें अभ्यर्थी, ये अनुरोध रहेगा विशेष रूप से। सर देखने को मिल रहा है काफ़ी भीड़ आ रही है, अंदर में नारेबाजी भी करते आ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 144 लगाया गया, उन लोगों को तो अनाउंस करके उसको हटा दिया गया है, ये विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। उत्साही होते हैं साथ में चले आते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो क्योंकि पहला चरण है तो इसमें हिदायत दे करके उसको बाहर कर दिया जाता है ताकि जब क्षेत्र में जाएँ नामांकन के बाद तो अनुपालन करें, वो अभ्यस्त हो जाएँ कि नहीं अनुपालन करना नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी, और वैसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी यदि किसी तरह का जो रूल है जो लॉ के हमारे निमित्त बनाया गया आदेश है उसका यदि उल्लंघन होता है तो कार्रवाई।